मत्ती रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और बन मधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यर्दन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है? यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।